बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरितु फ़ाहुवा यशफीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उसके लिए शफा भेज देते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जलक। ये मशहूर नाम है लेकिन जो इसका असल नाम है वो जलक है ज़े के साथ, और आवाम ज़्यादातर इसको इस नाम से पुकारते हैं। इसको मुश्तज़नी भी कहते हैं, इस्तमना बलीद, इस्टर्बेशन, ये मुख्तलिफ नाम है इसके। मर्दाना मराज के जितने भी असबाब हैं, ज्यादातर मर्दाना कमजोरी जिसको हम जोफे बा भी कहते हैं, वो इस वजह की, इसकी वजह जो है वो जलक है। जलक, जलक के इतने नुकसानात है कि आदमी को ये बेकार कर देती है ये आदत। ये आदत इंसान को अलहदा रहने पर मजबूर कर देती है। ये आदत इंसान को माली खोलिया तक ले जाती है, जो बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं, और अज़दवाजी ज़िंदगी पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो ये औरतों और मर्दों में, दोनों में पाई जाती है ये आदत, लेकिन औरतों की बनिस्बत मर्दों में ये आदत ज़्यादा है। ये गैर तबी हरकत आम तौर पर हाथों से की जाती है। इसके जो आदि हैं, इस पर अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने भी लानत भेजी है, और ये इतनी बुरी आदत है कि आदमी को बेकार कर देती है, जिंदगी उसके लिए अजीर्ण हो जाती है। तो नाज़रीन, इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। बाद अशखास हर सख्त नरम शय को ज़रिया जलक बना लेते हैं। इसके मुज़र असरात नफसानी रूहानी दोनों किस्म के होते हैं, और औरतों की बनिस्बत ये मर्दों में शदीद किस्म के होते हैं। मुस्तज़नी की आदत अमीर हो या गरीब हो, ये दोनों में बराबर पाई जाती है। ये मर्ज बच्चों से स्टार्ट होती है, जो बच्चे अभी छोटे होते हैं 3 माह के, उसकी जो दाया है या उसकी वालदा है, उसके वो आदत उनको डाल देती है। उनके कजीब को दाया मल मल कर सुलाने की, यानी कि अगर बच्चा सोए ना तो उसको सुलाने के लिए उसके कजीब को मलती है, और वो उसको आदत पड़ जाती है। ये बचपन आदत पर है, यानी कि बच्चों को हो जाती है, और वो बढ़ती बढ़ती फिर आस्ता आस्ता जवानी तक जाती है। 60-70 साल तक ये आदत जो है ना मर्दों को होती है, और बुढ़े आदमी हूँ या जवान हूँ, तकरीबन ये आदत हर एक में पाई जाती है। लेकिन अमूमन जो आदत है ये 19-20 मैक्सिमम 22 साल तक, जो आदमी जब जिसके बच्चों को या जब वो बलोगत से टीन की उम्र से ऊपर चले जाते हैं, 22 साल तक या 25 साल तक, तो वो इस आदत को छोड़ देते हैं। इसके बाद बहुत कम रह जाते हैं। 25 वर्ष तक की अक्सर मुबतला, यानी कि इसको देखा गया, जो हमारे पास मरीज आते हैं वो 25 साल तक जो इसके ऊपर जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, और 20 साल से पहले जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और 20 साल से लेकर 25 साल तक उससे भी कम हो जाते हैं, 25 साल के ऊपर फिर मज़ीद कम हो जाते हैं। इस उम्र में जज्बात जो है ना वो तकरीबन 12 साल से शुरू होते हैं, ये उसके बाद फिर ये आदत ज़्यादातर पाई जाती है। ये हम उम्र की देखा देखी या हम जोलियों की तहरीक पर जलक में मुबतला पाए जाते हैं। उसके बाद शादी या नजायज़ तरीक पर जमा करने का हौसला जलक की ज़रूरत बाकी नहीं रखता। वो लोग जो नजायज़ निकाह से पहले, शादी से पहले किसी औरत के साथ नजायज़ तलकात अगर बना ले, तो फिर वो आदमी भी
इस आदत को छोड़ देते हैं, वो गुनाह करते हैं और बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी सजा भी बहुत है, दुनिया में भी सजा मिलती है, आखिरत में इसकी सजा बहुत सख्त है। तो ये हमारे दीन में, इस्लाम में बताया गया है कि जब बच्चा बालग हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, खाल लड़की हो या लड़का हो। एक तो वो गुनाहों से बचता है और दूसरी इस बुरी आदत से जो मुजर असरात जिस्म पर पड़ते हैं उनसे भी उनको महफूज वो हो जाते हैं। इसके बाद जल्लत का कोई मियार नहीं, दस्ते खुद भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं, मरीज भी आपको कह रहे हैं या जिन लोगों को आदत होती है, ऐसे भी हमारे पास वो पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमने एक दिन में 5-5 मरतबा 7-7 मरतबा भी इस आदत को अपनाया है। और जिस कदर जलक ज्यादा सख्त चीज से की जाएगी और उसकी अलामात उतने ही ज्यादा खतरनाक होंगी। इससे जो मर्ज लगते हैं वो सबसे पहले जो खतरनाक मर्ज है वो है ज़ुकाफ़त हिस। इसके बाद इहतलाम, सुरत अंजाल, जरियान, मर्दाना कमजोरी और यहाँ तक के नमर्दी भी पाई जाती है। जब आदमी नमर्दी तक पहुंच जाता है तो फिर उसका इलाज करना भी ये बहुत मुश्किल है। और ये आदत कोई नई नहीं है, ये बहुत कदीम पुरानी है। अफसोस के इंसानी तमद्दन के साथ ये आदत भी रोज बरोज तरक्की करती जा रही है। इसकी वजह क्या है? एक तो सोशल मीडिया, आजकल इसकी आदत जो है ना, आजकल बहुत ज्यादा वो ऐसी वीडियो, ऐसे सीन जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नीम और या जो आजकल जो ड्रामे या फिल्में ऐसी वीडियो छोटी छोटी होती हैं, जिस्म की नुमाइश, फैशनेबल लिबास की तईन, स्कूलों में सोसाइटियों की बेहतियातियाँ, ऐसे करतूत के मुजर असाज से नावाकफियत, बेमानी आज़ादी का दौर, गर्ज के ये सब कुछ मिल मिलाकर इंसानी सेहत का मियार रोज़ बरोज गिरता जा रहा है। पहले यह ख्याल था कि हजरत इंसान के अलावा ये मजमूम आदत किसी और हैवान में नहीं पाई जाती, मगर जदीद तहकीकात से ये साबित हो गया कि बंदर, रीछ, कुत्ता, घोड़ा भी इस मर्ज में मुबतला पाए जाते हैं। इसकी वजह जल्लत का असल सबब जो है तो जज्बाते जिनसी की पैदाइश है। चनाचे जब ऐसे जज्बात पैदा हो जाते हैं तो इस वक्त रूह, री और खून कसरत के साथ मर्दों के कजीब और औरतों के फरज, मुहबल और बजर में इंतशार पैदा होता है। इस वक्त मर्द औरत की ख्वाहिश जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये आदत खुद ब खुद ही मर्दो जन अपना लेते हैं। इंसान अपने जज्बात फरोह करने की गरज से मजबूर होकर ये गुनाह करता है। तो नाज़रीन, इसके जो मुजर असरात मैंने आपको बताए हैं वो जिंदगी पर बहुत ही गहरे असर डालते हैं, इसलिए इस आदत को छोड़ दें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो महफूज रहे। दीन की तरफ बच्चों को तवज्जा दिलाएं, नमाज का पाबंद बनाएं, दीन के मसाइल शुरू से बच्चों को बताने चाहिए ताकि ऐसी आदत जो है वो उनसे बच्चे महफूज रह सकें। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में इसमें जो अलामतें पाई जाती हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।